हेलो स्टूडेंट मैं शाइन लूथरा आज हम करेंगे क्लास सेवन का चैप्टर नंबर फाइव करेंगे लाइंस एंड एंगल्स इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे जिसी कि हमारे चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स यानी कि हम पहले लाइंस के बारे में समझ लेंगे फिर हम एंगल्स जो है वो समझेंगे ताकि जब हम इसकी एक्सरसाइज करें हमें हर एक क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ सके ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन लाइन क्या होती है आपने तो पहले प्रीवियस क्लासेस में किया ही हुआ है लाइन क्या होती है आप सबको पता है अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड द एक्सटेंड इन्फिनेटली इन द बोथ डायरेक्शन अब लाइन को आप इस तरफ भी बढ़ा सकते हो इस तरफ भी बढ़ा सकते हो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता दोनों तरफ बढ़ती है ये ठीक है सिक्स क्लास में किया था हमने लाइन सेगमेंट क्या होता है लाइन सेगमेंट एक होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं जब आप एक लाइन सेगमेंट यानी कि विद मेजरमेंट अगर आपने फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर या एट सेंटीमीटर अगर आपने इसको ड्रा कर दिया तो ना फिर आप इधर से इसको एक्सटेंड कर सकते हो ना फिर आप इसको इधर से एक्सटेंड कर सकते हो तो ये हमारी हो जाती है लाइन सेगमेंट तो लाइन क्या होती है दोनों डायरेक्शन में जितना मर्जी आप इसको आगे की तरफ बढ़ा दो लेकिन लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते रे क्या होती है रे इज द लाइन विद अ सिंगल एंड पॉइंट रे का सिंगल एंड पॉइंट होता है अब इस साइड इसको जितना मर्जी बढ़ा लो अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो अब इस साइड जितना मर्जी बढ़ा लो ये इसका एंड पॉइंट है लेकिन आके ये जितना मर्जी इसको रे को बढ़ाते रहो ठीक है ये सब हमने क्लास सिक्स में भी किया था तो ये हो गया इसका लाइन लाइन सेगमेंट और रे एंगल्स देखो एंगल्स कौन से हमारे एक्यूट एंगल ऑप्ट्यूज एंगल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल राइट एंगल स्ट्रेट एंगल सबसे पहले एक्यूट एंगल हम सब जानते हैं कौन से होते हैं जो एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री बट लेस देन द नाइन्टी डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल जो नब्बे डिग्री से कम के एंगल्स होते हैं उसको एक्यूट एंगल कहते हैं जो नाइन्टी डिग्री से लेस देन होते हैं ऑप्टूज एंगल जो होता है वो नाइन्टी डिग्री से ज्यादा होता है और वन एटी डिग्री से कम होता है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन डिग्री बट द लेस देन इज वन एटी डिग्री इज कॉल्ड कॉल दूस एंगल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल जो होता है एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन द 180 डिग्री बट द लेस देन द 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा राइट right एंगल में आ जाता है जो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको हम राइट right एंगल बोलते हैं जो हम वन डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं है. ठीक है ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल जो कि हमारा वन डिग्री का होता है आप देखो आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसको तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जैसे एक 40 डिग्री 50 डिग्री है तो दोनों को मिला के क्या हो गया 90 डिग्री हो गया तो ये क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है ठीक है जैसे हमें यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे अगर इन दोनों को प्लस करके अगर नाइन्टी डिग्री आता है तो ये हमारा क्या है एक सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री तो ये जो पेयर है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इज ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है अब पे 60 50 करो तो 110 आता है जो कि 90 के इक्वल नहीं है सो दिस पेयर इज ऑफ एंगल इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो नाइनटी डिग्री होता है तभी वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ठीक है अब हमें जैसे कि ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा सम के अंदर तो हम तो कैसे करेंगे हमें 20 डिग्री दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ठीक है जो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है तो 20 जो, जो हम जो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है 20 का कॉम्प्लीमेंट्री x मान लेते हैं तो एकस, 90 20 प्लस एक्स नाइन्टी में ट्वेंटी को माइनस करेंगे 70 यानी कि जो 20 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा 70 डिग्री तभी तो 70 और ट्वेंटी को प्लस करेंगे तो नाइन्टी डिग्री बनेगा ठीक है अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिख देख, देख लो अब सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है वन डिग्री अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और वन डिग्री आ रहा है तो ये हमारा सप्लीमेंट्रीज एंगल्स में आता है अब यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है सेवेंटी डिग्री, डिग्री का और हमें सेवेंटी डिग्री का ना फाइन द सप्लीमेंट्री ऑफ सेवेंटी सेवेंटी डिग्री का सप्लीमेंट्री फाइन करना है तो सेवेंटी का सप्लीमेंट्री हम एक्स मान लेते हैं तो वन एटी में सेवेंटी को माइनस करेंगे तो हमारा वन हंड्रेड टेन आ जाएगा एक्स हमारा वन हंड्रेड टेन आ गया कि सेवेंटी का जो सप्लीमेंट्री होगा वो होगा वन हंड्रेड टेन अब हम वन हंड्रेड टेन और सेवेंटी को प्लस करके देखो तो वन एट्टी बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना तो सॉरी हाँ जी कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो नाइनटी डिग्री है सप्लीमेंट्री जो है वो वन एटी डिग्री है इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आप दोनों को अलग अलग से जो है अच्छे से याद रखना सप्लीमेंट्री वन एटी डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री नाइनटी डिग्री ठीक है इस तरीके से हमारे पास जो है क्वेश्चन आ सकते हैं चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट अब बताना ही सप्लीमेंट्री है या नहीं दोनों को प्लस किया वन डिग्री आ गया तो जो हमारा पेयर है ये हमारा सप्लीमेंट्री है अब 100 हंड्रेड दो तो, अगर हमारे पास है तो अगर 100 हंड्रेड प्लस हंड्रेड करते हैं टू हंड्रेड हो जाता है तो जो हमारा 180 डिग्री से जो है वो इक्वल नहीं है सो दिस पेयर ऑफ एंगल इज नॉट अ सप्लीमेंट्री बहुत ही सिंपल है ये ठीक है अब हम समझ लेते हैं एडजर्सन एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एडजर्सन एंगल्स कौन से होते हैं है बहुत ही सिंपल एडजस्टन एंगल के हमेशा कॉमन वर्टेक्स होता है कॉमन आर्म होती है एंड देयर नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म अब इसको समझ लो कि जो भी हमारा एडजर्सन uh, एंगल होता है ना उसकी एक ही जो है कॉमन वर्टेक्स होता है देखो अब इसके अंदर ए ओ सी अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके साथ हमारा एंगल बन रहा है बी ओ सी अब ए ओ सी भी हमारा ओ से बन रहा है बी ओ सी भी हमारा ओ से बन रहा है तो दोनों में क्या आ रहा है हमारा जो वर्टेक्स है वो कॉमन आ रहा है ठीक है अब देखो इसमें भी ओ सी आ रहा है जब ए ओ सी करते हैं तो भी ओ सी आता है बी ओ सी करते हैं तब भी ओ सी आता है तो हमारी कॉमन आर्म भी जो है इसके अंदर आ रही है वर्टेक्स तो कॉमन आ ही रहा है लेकिन ये आर्म भी जो है वो कॉमन आ रही है और यहाँ पे देखो हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जो हमारा ए ओ सी है एंगल वन यहाँ पे जो बी ओ सी है वो है एंगल टू ठीक है तो एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी चाहे आप ऐसे बोल लो चाहे एंगल वन और एंगल टू बोल लो ये क्या हमारा एडजस्टन एंगल है ठीक है थर्ड पॉइंट का क्या था देआर नॉन कॉमन आर्म अब देखो ये वाली आर्म और ये वाली ये दोनों जो आर्म्स है ना ये नॉन कॉमन है किसके बीच में एक कॉमन आर्म के बीच में दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं जब हम एओसी की बात करते हैं तो सिर्फ एओसी में ही एओ आता है और जब हम बीओसी की बात करते हैं तो सिर्फ बीओसी में ही बीओ आता है है ना उसके अंदर फिर जो है एओसी में दोबारा से एओ नहीं आता है तो कहने का मतलब है जब हमारी ये कॉमन आर्म के दोनों साइड पे नॉन कॉमन आर्म्स भी होती हैं जिसको हम जैसे एंगल्स कहते हैं सबसे सिंपल अब याद रखो कॉमन वर्टेक्स आप देख लो अगर कॉमन वर्टेक्स पे दो एंगल्स बन रहे हैं तो वो हमारा एडजस्टन एंगल है ठीक है अब आप देखो इसके बाद है लीनियर पेयर लीनियर पेयर क्या होता है लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज कॉमन आर ऑपोजिट रेज देखो अब जो लीनियर पेयर होता है ना उसकी जो मेजरमेंट होती है ये हमारी होती है 180 डिग्री की जैसे कि स्ट्रेट एंगल भी होता है ना हमारा 180 डिग्री वैसे ही ये हमारा, ये भी हमारा 180 डिग्री होता है लेकिन उन्हें क्या बोला है कि जो लीनियर पेयर है उसके अंदर एक देखो एक नॉन कॉमन साइड होती है लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजन एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड आर ऑपोजिट रेज अब इसमें भी देखो हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं एक बन रहा है हमारा एओ सी और दूसरा बन रहा हमारा बी ओ सी तो एओ सी एंगल वन और एंगल टू का जो दोनों का सम है ना वो हमारा वन एटी डिग्री है इसमें आपको ये याद रखना है जो लीनियर पेयर होता है हमारा इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है और इसके ऊपर ये जो है हमारा वन एटी डिग्री का एंगल होता है ठीक है अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से एक आ, आर्म आ, अगर ड्रॉ करती हूं तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल एंगल वन और टू अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा वन एटी डिग्री बनेगा जो कि हमारा लीनियर पेयर होता है तो यहाँ पे भी इस तरीके से ए ओसी एंगल वन और बी ओसी एंगल टू को दोनों को प्लस करें तो हमारा वन एटी डिग्री जो है अगर बनता है तो वो हमारा जो है वो लीनियर पेयर में आ जाता है अब देखो इस टाइप से अगर हमारे पास लीनियर पेयर में हमें दे रखा है ऐसे और हमें एक दे रखा है एक्स और एक देखा है वन ट्वेंटी तो हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है हमें ये पता है कि जो लीनियर पेयर होता है वो वन एटी डिग्री का होता है पूरा का पूरा तो वन एटी डिग्री में से वन ट्वेंटी माइनस कर देंगे तो हमारा एक्स जो है वो फाइंड हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ठीक है अब आप ये देख लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के उन, कौन से होते हैं वेन टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो फॉर्म आर इक्वल अब जब दो लाइने इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बनते हैं वो दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के बराबर होते हैं जैसे यहाँ पे एंगल वन एंगल टू के ऑपोजिट है तो ये इसके इक्वल है एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है कि जितना एंगल वन की मेजर एंगल uh, होगा वो ही एंगल टू अगर मान लो ये एंगल हमारा है सिक्सटी डिग्री तो ये भी हमारा सिक्सटी डिग्री है मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ठीक है तो हमारे जो एंगल ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होते इक्वल होते हैं एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल होगा यानी कि जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये जितने डिग्री का वन उतने ही डिग्री का एंगल टू भी होगा ठीक है तो ये हमारे होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं आप देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती है जो एक दूसरे को काटती है ट्रांसवर्सल क्या होता है ट्रांसवर्सल होता है कि जब हमारे पास दो लाइन दे रखी उसके ऊपर जो लाइन दोनों लाइन को काट रही होती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं ठीक है अब ये लाइन एम है ये लाइन एल है इसके ऊपर ट्रांसवर्सल क्या है पी ठीक है याद रखना ट्रांसवर्सल क्या होता है आपको ठीक है अब ये देखो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको ये अच्छे से समझना है दो लाइंस दे रखी हैं, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल है अब ट्रांसवर्सल से क्या है कुछ एंगल्स बन जाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब ये एंगल्स जो है वो क्या है हमें देखना सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर से इंटीरियर एंगल से ठीक है सबसे पहले इंटीरियर एंगल देख लेते हैं जो एंगल हमारे लाइंस के अंदर की तरफ आ रही है ट्रांसवर्सल है फोर थ्री और फाइव सिक्स दोनों ये एंगल जो है वो लाइन से नीचे की तरफ अंदर की तरफ ये भी लाइन से इनसाइड है अंदर की तरफ है तो फोर थ्री फाइव सिक्स जो है वो इंटीरियर एंगल है ये आपको याद रखना एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे जो बाहर की तरफ है वन टू और एट सेवन तो ये वन टू एट सेवन एक्सटीरियर एंगल हो गया फोर थ्री फाइव सिक्स इंटीरियर एंगल हो गया ये चीज समझ आ गई दो चीजें आपको अब आप देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है जैसे कि ये हमारा जो ट्रांसवर्सल है ना ट्रांसवर्सल पे हमारे ए ही साइड पे बने होते हैं जैसे कि एंगल वन और एंगल फाइव ठीक है तो ये जो हमारे एंगल्स हैं जो एक ही लाइन पे बने होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है अब देखो ये एंगल वन और एंगल फाइव क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू और एंगल सिक्स क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फोर और एंगल एट क्या है कॉरेस्पोंडिंग एंगल थ्री और एंगल सेवन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसे भी कह सकते हो एक हमारा एक्सटीरियर है एक हमारा इंटीरियर है एक ही लाइन में ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर अब राइट right साइड पे देखो एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर अब लेफ्ट साइड पे देखो फोर इंटीरियर एट एक्सटीरियर

सेम साइड पे हैं ये हमारा लेफ्ट साइड पे है ये दोनों हमारे अंदर की तरफ राइट right साइड पे हैं तो ये इनको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल क्योंकि ये दोनों जो है अंदर की तरफ है को इंटीरियर मतलब ये भी अंदर है ये भी अंदर ये भी अंदर और ये भी अंदर लेकिन एक ही साइड पे मेन आपको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल तो पता चल जाएंगे आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कोरोस्पॉग एंगल और इन को इंटीरियर एंगल ठीक है इसमें कंफ्यूज नहीं होना कोरस्पॉन्डिंग एंगल में एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा लेकिन को इंटीरियर में दोनों ही एक साइड पे होंगे और दोनों ही इंटीरियर होंगे ठीक है ये हो गया हमारा यही जो हमारा चैप्टर नंबर फाइव में जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगाओ वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू